दोस्तों ये है NH2 दिल्ली आगरा वाला हाईवे, तकरीबन सिकंदरा से यानी कि अकबर की कब्र से, अकबर की मकबरे से 1 किलोमीटर पहले ही दिल्ली की तरफ पड़ता है ये मरियम का मकबरा। यहाँ से कुछ दूरी पैदल चलने के बाद आ जाएगा जोधाबाई का मकबरा जो है, पर थोड़ी सी दूर हमें पैदल चलना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़ी सी दूर हाईवे से चलने के बाद ही हमें दिखाई देने लग जाता है मरियम का टॉम यानी कि जोधाबाई का मकबरा। अंदर जाते ही एक बोर्ड है जहाँ पे टूरिस्ट मैप डिस्टेंस नॉर्थ स्केल, टूरिस्ट मैप है ये आगरा का, जिसमें कि हर एक मोनूमेंट्स वगैरह जो भी घूमने की जगह है वो स्पष्ट क्लियर तरीके से दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों मैं आज आया हुआ हूँ आगरा सिकंदरा, सिकंदरा से 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है मरियम उल जमानी टॉम यानी कि जोधाबाई का मकबरा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जोधाबाई का मकबरा कैसा है और क्या है, इससे जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियाँ रही हैं, कौन थी जोधाबाई और क्यों बना हुआ है इनका यहाँ पर मकबरा। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और आप जानिए डिटेल में सारी जानकारियाँ इस वीडियो के अंदर, तो कहीं मत जाइए, साथ में बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे जो है टिकट आपको ऑनलाइन ही मिलेगी, क्योंकि पिछले 3-4 जब से ये खुला हुआ है, मोनूमेंट जितने भी खुले हैं सब पे टिकट ऑनलाइन ही मिलती है, तो आप पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिएगा। पुरातत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा लगाया हुआ एक बोर्ड है, इस पर कुछ जानकारियाँ हैं, इन्हें नियम हैं, इन्हें तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम अब ले लेते हैं इसमें से एंट्री मकबरे के अंदर जाने के लिए। जो सामने आप देख रहे हैं ये ही है मरियम का टॉम, तो पहले कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। और यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है हिंदी के अंदर, मरियम जमाली आमेर के कछवा राजा बारमल की पुत्री थी। पूरी जानकारी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी में यहाँ पे दी गई है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। और ये सीधा रास्ता जाता है मरियम के टॉम की तरफ। लाल बलुआ पत्थर से बने इस अनोखे मकबरे का निर्माण मुगल शासक अकबर की पत्नी मरियम उज जमानी की याद में उनके बेटे जहांगीर ने 1623 में करवाया। ये मकबरा एक बाग में मौजूद है जो कभी लोदी काल का रहा था। इसका निर्माण ईंट और संगमरमर के चूने से किया गया है। इसके चारों कोणों पर 4 बड़ी बड़ी छतरियां इसकी शोभा को और बढ़ा देती हैं। मुगल वास्तुशिल्प शैली में बना यह मकबरा बिना गुंबद के मकबरा का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों जोधाबाई एक हिंदू राजपूतनी राजकुमारी थी जिनका जन्म 1542 में आमेर के राजा बारमल के यहाँ हुआ था। जोधाबाई आमेर के राजा बारमल की सबसे बड़ी बेटी थी। इन्हें हीर कुंवारी हरकाबाई और सबसे प्रसिद्ध नाम जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। जोधाबाई का विवाह अकबर से 6 फरवरी 1562 को 20 साल की उम्र में हुआ था। जोधाबाई अकबर की तीसरी पत्नी थी और हिंदू पहली पत्नी थी। जोधा राजपूत थी और अकबर मुगल शासक, इन दोनों की विवाह प्रेम संबंध नहीं बल्कि एक राजनीतिक समझौता था। परंपरा के अनुसार जोधा को मुगल धर्म अपनाना था, लेकिन अकबर ने इस बात पर जोर नहीं दिया। यही था जोधा अकबर की प्रेम कथा का आधार। जोधाबाई को अकबर ने सलीम के जन्म के बाद ही मरियम उज जमानी का खिताब भी दिया। मरियम उज जमानी को यानी कि जोधाबाई को अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुस्तान की रानी माँ के रूप में भी जाना जाता है। जोधाबाई लंबे समय हिंदू मुगल महारानी रही, उनका कार्यकाल 43 वर्ष था। अकबर से विवाह के बाद उन्होंने कभी इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, वो हमेशा हिंदू रानी बनी रहीं। सम्राट अकबर की कई पत्नियाँ थीं, लेकिन जोधाबाई को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हें मुगल घराने में बहुत प्यार और सम्मान भी मिला। मरियम उज जमानी के अलावा जोधाबाई ने मलिकाए मुअज्जमा, मलिकाए हिंदुस्तान और वली निमात बेगम की उपाधि भी धारण की, जिसका मतलब होता है ईश्वर का उपहार।
दोस्तों ये डायमंड कट शेप मैंने पहले भी कई जगह पे देखी है, जहां मुग़लों ने अपना टॉम्ब, इमारतें, मकबरे बनाए हुए हैं वहां पे कई जगह पे ये आपको मिल जाएगी देखने के लिए, डायमंड कट शेप जो है। दोस्तों इसके चारों तरफ आगे भी ऐसे ही गलियारे बने हुए हैं निकलने के लिए, सामने भी ऐसे ही है, सामने से भी आप जा सकते हैं सीधा, और इधर से भी आप देख सकते हैं जैसे कि सामने से भी सीधे हर तरफ ये ऐसे गलियारे बने हुए हैं आने जाने के लिए। अब चलते हैं जरा हम अंदर की तरफ और देखते हैं। तो दोस्तों ये है, हम बीचों बीच यहाँ पे आ चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं नीचे पत्थर काट के इस तरीके से काटा हुआ है कि एक दूसरे में अच्छी तरीके से फंस जाए, इस तरीके से काट के पत्थर को यहाँ पे अच्छी तरीके से फंसाया हुआ है। ये पता नहीं दोस्तों क्या चीज़ है, कोई रास्ता जाने का रास्ता है या क्या है, आगे से यहाँ पे बंद तो है ये, पर ये पता नहीं है क्या है, या फिर हो सकता है कि नीचे जो कब्र है वहाँ पर जाने का रास्ता रहा होगा। दोस्तों वो जो सामने आप देख पा रहे हैं चौकुंटा सा, ये सामने जो है ये है कब्र, क्योंकि इसमें तकरीबन तीन कब्रें मौजूद हैं। एक तो ये ऊपर की तरफ ये कब्र दी रखी है, इसके चारों तरफ कुछ पत्थर लगे हुए थे, वो यहाँ से देख रहे होंगे जो कब्र के चारों तरफ लगाते हैं वो यहाँ से उखड़ चुके हैं। सिर्फ एक तरफ ये कोने पर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये पत्थर ही बचा है, ऐसे ही राउंड शेप में चारों तरफ सर्कल बना होता है पत्थरों का कब्र के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे तीन कब्र है, एक तो ये कब्र है और बताई जाती है एक कब्र नीचे है जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। जो रियल कब्र है वो ना तो ये है ना वो नीचे वाली है, सबसे नीचे की तरफ जो है वो शायद रियल कब्र होगी। दोस्तों जब हम पीछे की तरफ से अंदर की तरफ जब आते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देती है कब्र, यानी कि जोधाबाई की जो कब्र थी। तो चलिए नीचे उतर के देखते हैं कि कब्र किस हालत में है, किस तरह की कब्र है जोधाबाई की, जो कि उस वक्त मुग़ल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली पावरफुल मलका थी, मलका हिंदुस्तान थी उस वक्त। यहाँ पे एक तो मच्छर बहुत है, चारों तरफ मच्छर उड़ रहे हैं। ये गेट बंद है, बंद किया हुआ है इस गेट को, और अंदर है कब्र। तो मैं इस कब्र को आपको और अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। दोस्तों ये कब्र है जोधाबाई की जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, असल कब्र ये है, इसके नीचे होगी क्योंकि इसका गेट तो फिलहाल किया हुआ है बंद। ये कब्र है मलका हिंदुस्तान की, जोधाबाई की, मरियम उल जमानी की, जो कि इस वक्त मलका हिंदुस्तान नहीं है, पहले कभी किसी वक्त में रही होंगी, अब तो ये सिर्फ कब्र में चैन की नींद अपनी सो रही है। एक कुछ वहाँ पे पीछे की तरफ कोई जंगला टाइप तो है रोशनी आने के लिए, पर वो शायद वहाँ से बंद कर रखा है। पर दोस्तों ये जो कब्र आप देख रहे हैं यही कब्र है जोधाबाई की। दोस्तों उस वक्त में कब्रें कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी कि मैंने अकबर का मकबरा भी देखा है, अकबर की कब्र भी देखी है, वहाँ पर मैंने देखा है कि अकबर की कब्र नीचे की तरफ है तो और जंगले में से कहीं से रोशनी आ रही होती थी। वैसे ही उसी टेक्निक पे ये भी बनाई हुई है, पर वहाँ पे जंगले से रोशनी आ रही होती है, पर ये इसका गेट कर रखा है बंद, और शायद में जंगला भी है वहाँ पे, और रोशनदान भी है पर वो भी कर रखा है शायद बंद। तो ये आप पीछे देख पा रहे होंगे ये है कब्र, जो कि फिलहाल तो काफ़ी बुरी हालत के अंदर है, गेट बंद है, कोई साफ़ सफाई अंदर है नहीं, धूल जमी हुई है अंदर की तरफ, और जो ये पूरा मकबरा है इसकी हालत भी बिल्कुल भी ठीक इस वक्त नहीं है, प्लास्टर छूटा हुआ है, और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इसे मरम्मत की सख्त ज़रूरत है इस मकबरे को। तो दोस्तों मैंने कब्र देख ली है और शायद आपने भी कब्र देख ली होगी, अब मैं आ रहा हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पर नीचे ना काफ़ी मच्छर उड़ रहे हैं, नमी है नीचे ना तो काफ़ी मच्छर हैं इसी वजह से। दोस्तों यहाँ पे एक पहले रास्ता था ऊपर जाने का, वो किन्हीं कारणों से कर दिया गया है बंद, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रास्ता कहाँ था।
क्योंकि उन्हें पता नहीं क्यों किन्हीं कारणों से उसे बंद कर दिया गया रास्ते को, क्योंकि तो पहले यहाँ से ऊपर भी जाया जा सकता था, रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वो यहीं पे कहीं पर होगा, ये रहा। तो दोस्तों ये जो रास्ता है ना पीछे की तरफ, ये पहले ओपन था, किन्हीं कारणों से इसे बंद कर दिया गया है। पहले हम ऊपर जा सकते थे इस पर चढ़ के, ऊपर वाली मंजिल पे, फिलहाल तो वहाँ पे जाना असंभव है क्योंकि यहाँ पे ताला लगा रखा है, रामसन का ताला लगा हुआ है, सरकारी ताला है, तो ऊपर जाया नहीं जा सकता। ये रास्ता था पहले, ऊपर की सीढ़ियों पे जाके हम ऊपर वाले फ्लोर को जाके देख सकते थे पहले, पर फिलहाल कर दिया गया है बंद। वैसे तो अधिकतर मोनूमेंट में ताले लगे हुए हैं, जहाँ पे लोग जा सकते थे वो सारी जगह फिलहाल तो बंद ही कर दी गई हैं, पता नहीं क्यों कर दी गई, ये सरकार ही जाने। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको वीडियो, और कैसी लगी जानकारी जोधाबाई के मकबरे से जुड़ी हुई? ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये था जोधाबाई का मकबरा। तो दोस्तों हम घूम चुके हैं मरियम का मकबरा, काफ़ी सुंदर था, पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, इसका जीर्णोद्धार करने की ज़रूरत है। क्या है कि खपरे उतर रखी हैं उसकी, प्लास्टर वगैरह टूटा हुआ है, सरकार को ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा कि ये पीछे की तरफ जो था दिखाया था इस वीडियो में, वो था मरियम का मकबरा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।